अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको आस्तीन का मेजरमेंट और आस्तीन की कटिंग सिखाएंगे। आस्तीन की मेजरमेंट में हम तीन चीजें मेजर करते हैं, एक लंबाई, दूसरा फिटिंग, फिर तीसरा आर्म होल। एक साइड पे हमारा तैयार वाला साइज आ जाएगा और दूसरी साइड पर कटिंग का मार्जिन आ जाएगा। आस्तीन की लंबाई हम जो आर्म होल में हमारी आस्तीन जुड़ी हुई होती है यहाँ से हम नापते हैं। आस्तीन की जुड़ाई की सिलाई से लेकर नीचे किनारे तक हम आस्तीन की लंबाई नापते हैं। आस्तीन की लंबाई हमारे पास आ रही है 22 इंच। नीचे के हिस्से को फिटिंग कहा जाता है और आमतौर पर इसे लोग मोरी भी कहते हैं। फिटिंग हमारी आ रही है 5 इंच। आर्म होल को नापने का तरीका हमने अपनी कमीज की मेजरमेंट में आपको सिखाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंधे की तरफ से आर्म होल पर इंच टेप को बिल्कुल सीधा रखते हैं, इंच टेप को हम राउंड नहीं करते, और चेस्ट के पास से कपड़े को पकड़ कर हम इस तरह से सीधा करते हैं। इस तरह से हमारे आर्म होल का साइज आ जाता है। आर्म होल का साइज हमारे पास आ रहा है तैयार में 8.5। ये हमारी कटिंग का तैयार वाला साइज है। अब हम इसमें कटिंग का मार्जिन रखेंगे। लंबाई में हम 1.5 इंच प्लस करते हैं 1.5। फिटिंग में हम 1 इंच का मार्जिन रखते हैं। आर्म होल के तैयार के निशान के बाद हम 2 इंच का निशान लगाते हैं। आस्तीन का ग्राफ पहले हम आपको पेपर पर बनाना सिखाएंगे। पेपर पर हम सबसे पहले अपने आस्तीन की लंबाई नापेंगे। आस्तीन की लंबाई आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आस्तीन का हमने तैयार वाला निशान लगाया। अब 1 इंच हमें नीचे से इसमें मुड़ाई का लगाना है और 1/2 इंच जो आस्तीन हमारी कमीज में जुड़ती है वहां का लेना है। इस तरह से हम आस्तीन में 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हैं। आस्तीन हमारी 22 तैयार है तो कटिंग हमारी हो गई 23.5। अब इस पीस को हम उतार देंगे। अब जैसे आस्तीन प्रिंट की हुई आती है उसमें पहले से ही बताया होता है कि इतना कपड़ा आस्तीन का है और इतना कपड़ा शर्ट पीस का है। लेकिन अगर आपके पास रेगुलर कपड़ा है, जैसे कि फूल बूटियां या फिर प्लेन कपड़ा है, जो एक साथ आपके पास ज्यादा कपड़ा है, उसमें से आप आस्तीन की चौड़ाई निकालना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार कुछ यूं होगा। आपने पहले तैयार वाला आर्म होल का निशान लगा देना है, जो कि हमारे पास है 8.5। 8.5 का निशान लगाने के बाद आपको 2 इंच का निशान लगा देना है। ये जो 2 इंच का निशान आया है, ये है हमारी आस्तीन की हाफ चौड़ाई। अब हम इसे नाप लेंगे। ये हमारे पास आ रही है 10.5। 10.5 के इस निशान के दूसरी जानब भी हम 10.5 का निशान लगा लेंगे। अब ये जो चौड़ाई वाला निशान आया है, इसको भी हम कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा या पेपर अपना उतार देंगे। लंबाई और चौड़ाई का पीस निकाल लेने के बाद हमने लंबाई में इस तरह से कपड़े को हाफ फोल्ड कर लिया है। चूंकि हमारी 2 आस्तीन होती हैं, तो कपड़े की 2 तह हम एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेंगे। आस्तीन की तह में जो खुला हुआ हिस्सा होगा, जो कन्नी वाला कपड़ा होता है, वो आपको अपने साइड पर रखना है, और जो हिस्सा फोल्डिंग वाला होगा वो आपको अपने ऑपोजिट हिस्से पर रखना है। सीधे हाथ की तरफ से आप आस्तीन में फिटिंग नापेंगे, जिसे हम मोरी भी कहते हैं, और उल्टे हाथ की तरफ से हम अपना आर्म होल को नापेंगे। यहाँ सीधे हाथ की साइड से हम आस्तीन की पहले फिटिंग नाप लेंगे। फिटिंग हमारी 5 तैयार है, कटिंग में हमारे पास है 6 इंच। हमने कटिंग वाला निशान लगाना है। ऊपर से हमें किनारे पर नापना है 3.5 इंच। 3.5 इंच के निशान पर हमें एक लाइन बना लेनी है। इस तरह से लाइन बना लेने के बाद अभी फिटिंग वाला निशान और 3.5 इंच वाले निशान को हम आपस में मिला देंगे। लेकिन ये निशान 2 तरह से मिलाया जाता है। एक तरीके का ये है कि 3.5 इंच वाले निशान पर इस तरह से इंच टेप को या स्केल को रखकर फिर फिटिंग वाले निशान को इस तरह से स्ट्रेट करके मिला देंगे। दूसरे तरीके का ये होता है कि इस निशान को शेप पट्टी की मदद से मिलाया जाता है। ये शेप पट्टी होती है। अगर आपके पास ये शेप पट्टी है तो आप दोनों निशान को इस तरह से मिलाकर और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आपके निशान ये गोलाई में आएगा। अब चूंकि अक्सर घरों में ये शेप पट्टी नहीं होती है, तो हम बिना शेप पट्टी के आपको ये निशान लगाना बताएंगे। हमारी कर्व वाली आस्तीन है, आप देख सकते हैं, और चूंकि एजिड लोग इस तरह से कर्व वाली आस्तीन नहीं पहनते, ये हमारी सीधी आस्तीन है। इसे हमने जस्ट फिटिंग वाले निशान से 3.5 इंच वाले निशान को ऐसे स्ट्रेट रख के लाइन ड्रॉ कर दी और कटिंग कर लिया। अब बिना स्केल के हम आपको ये कर्व वाली स्लीव काटना सिखाएंगे। ये 5 इंच तक हमने अपने फिटिंग के निशान को सीधा लगा लिया। अब हमने 3.5 और इस 5 इंच वाले निशान को इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन आपने सिर्फ आइडिया के लिए ड्रॉ की है। अब इस लाइन से हम अंदर की जानब इस तरह से गोलाई बनाते हुए जाएंगे। इस स्ट्रेट लाइन से अंदर की जानब इस तरह से आपने गोलाई बना लेनी है और 5 इंच वाले निशान से मिला लेना है। इस तरह से आस्तीन की फिटिंग का कर्व शेप बन जाएगा। अब हम आस्तीन के ऊपर की गोलाई बनाएंगे, जो हम आर्म होल में ज्वाइन करते हैं। आस्तीन में ऊपर की गोलाई बनाने के लिए पहले हम आर्म होल का तैयार वाला साइज नापते हैं। आर्म होल हमारे पास है 8.5 रेडी।
आस्तीन में तैयार वाले आर्म होल में 0.5 ऐड कर दिया जाता है। जो भी आपका आर्म होल का तैयार का साइज होगा उसमें आप 0.5 आगे एक्स्ट्रा लेकर निशान लगाएंगे। आप 0.5 एक्स्ट्रा लेंगे तो इस तरह से आस्तीन जब आप अपनी कमीज में जोड़ेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट साइज आएगा, आपकी आस्तीन छोटी नहीं पड़ेगी और ना ही बड़ी होगी। जहां से हमारा कपड़ा ज्वाइन है अब वहां से हमें इस स्टेप को रखना है और 3.5 इंच वाले निशान से इस तरह से मिला देना है टेढ़ा करके। अब हम अपना आर्म होल नापेंगे, 8.5 में 0.5 एक्स्ट्रा किया तो ये 9 इंच हो गया। ये हम 9 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब 9 इंच के निशान तक हमें गोलाई बनानी है। सेंटर से ही हमें 2 इंच का निशान लगाना है। 2 इंच का निशान लगा लेने के बाद इस निशान को हम आर्म होल के तैयार वाले निशान से मिला देंगे। ये निशान भी हम गोलाई से मिलाएंगे। अगर आपके पास शेप पट्टी है तो आप इस तरह से इसको मिला सकते हैं, लेकिन हम ये निशान आपको बगैर शेप पट्टी के लगाना बताएंगे। आपको 2 इंच वाले निशान को और तैयार वाले आर्म होल के निशान को इस तरह से स्ट्रेट करके मिला देना है। इस तरह से स्ट्रेट करके मिला लेने के बाद हमें इस निशान का सेंटर मालूम करना है। सेंटर मालूम करने के लिए आपको नंबर 1 को इस तरह से जहां तक आपका 9 इंच तक इंच टेप आ रहा है वहां तक लेकर आना है और इस तरह से सेंटर का निशान लगा देना है। सेंटर का निशान लगा लेने के बाद ये जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई थी इस स्ट्रेट लाइन से हमें 1/2 इंच मेजर करना है। अब इस 1/2 इंच को हमें इस 9 इंच वाले निशान से मिला देना है। अब बाकी का जो ये आधा निशान बच गया है इसे हमें ऊपर की जानिब से ही गोलाई बनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता जाकर इस 2 इंच वाले निशान से मिला देना है। इस तरह से आपकी गोलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और 9 इंच के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको हमें थोड़ा सा ऐसे नीचे की जानिब करते हुए ऐसे सीधा कर देना है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल ऐसे सीधा भी रख सकते हैं। अब हम इस निशान को कटिंग कर लेंगे। ये हमारी आस्तीन कट चुकी है। अब तैयार वाले आर्म होल पर हम छोटा सा कट लगा लेंगे। सेंटर में भी छोटा सा कट लगाएंगे। इस तरह से हमारी आस्तीन की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हम आगे की गहराई का निशान लगाएंगे। आगे की गहराई बनाने के लिए आपने ये जो 1/2 इंच का निशान लगाया था और जो ये स्ट्रेट वाला निशान लगाया था इसी पर ही हमारी आगे की गहराई बन जाएगी। ये स्ट्रेट वाला साइड आपको ऐसे ही रखना है और 1/2 जो 2 इंच से जाकर मिल रहा है यहां से हमें ऊपर की जानिब इस तरह से गोलाई को कम करते जाना है। अब जो ये पीछे वाली गोलाई हमने स्ट्रेट छोड़ी थी यहां से भी हम हल्का सा इस तरह से कर्व लेते हुए बिल्कुल मामूली सा और इसको इस तरह से इसी लाइन से मिला देना है। ये नीचे की जानिब जो कर्व आएगा बिल्कुल 1 पॉइंट का आएगा। अब इस गहराई को भी हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से आस्तीन खोल लेंगे और जो हमने आर्म होल की फिटिंग का कट लगाया था इस कट की ऊपर वाली नोक से हम ये कटिंग करना शुरू करेंगे। ये हमारी आस्तीन की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप आस्तीन की कटिंग इसी तरह से पेपर पर काट कर प्रैक्टिस कर लें और एक आस्तीन आप पेपर पर काट कर रख लें। जब भी आप कपड़े में कटिंग करेंगे आस्तीन की तो ये पेपर वाली कटिंग आपको उसमें हेल्प करेगी। किस तरह से हेल्प करेगी वो हम अभी आपको बताते हैं। आपने इस तरह से आस्तीन के कपड़े की तह बना ली। जिस तरह से ये प्रिंटेड कपड़ा है इसमें ये देखें ये नीचे फिटिंग वाला हिस्सा है। फिटिंग वाले हिस्से को हमने अपने सीधे हाथ की तरफ रख लिया और जॉइंट वाले हिस्से को हमने अपना अपोजिट साइड रख लिया और कन्नी वाला हिस्सा हमारी तरफ है। अब फिटिंग वाली साइड से हम अपने कपड़े की ओरेब निकाल लेंगे। ओरेब निकाल लेने के बाद इस साइड से हम अपनी आस्तीन की लंबाई नापेंगे और आस्तीन की लंबाई का ऊपर निशान लगा देंगे। आस्तीन की लंबाई का निशान लगा लेने के बाद अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे आप काट कर उतार देंगे। पहले हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। जो भी आपका फिटिंग का कटिंग वाला निशान होगा आप उसे लगा लीजिएगा। फिर हम किनारे से 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। 3.5 इंच का जो हमने निशान लगाया है इस पर हम एक लाइन बना लेंगे। 3.5 पर लाइन बना लेने के बाद अब हम इसमें पहले अपना आर्म होल मेजर करेंगे। क्योंकि ये आस्तीन का कपड़ा प्रिंटेड है और हमें आस्तीन का इतना ही कपड़ा दिया गया था। इस आस्तीन के कपड़े को हमने लंबाई और चौड़ाई नापकर नहीं निकाला है, इसलिए हम इसमें अब पहले आर्म होल नापेंगे जो हमारा रेडी है।
आर्म होल नापने के लिए हम सेंटर से इंच टेप को इस 3.5 इंच वाले निशान से मिलाएंगे। आर्म होल हमारा 8 तैयार है। कमीज के तैयार वाले आर्म होल में हम आस्तीन में 1/2 इंच प्लस करते हैं, जिस पर हमारी आस्तीन की फिटिंग होती है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने से हमारी आस्तीन हमारी कमीज में बिल्कुल परफेक्टली जुड़ जाती है, ना छोटी पड़ती है ना बड़ी पड़ती है। ये हम 8.5 का निशान लगा लेंगे और 8.5 का निशान लगाने के बाद देखेंगे कि एक्स्ट्रा मार्जिन बच रहा है या नहीं। ये सिलाई का हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन बच रहा है, कपड़ा हमारा बिल्कुल सही है। अब हम सेंटर से ऊपर से 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारा 2 इंच का निशान आ गया, ये हमारा आर्म होल का तैयार वाला निशान आ गया जो हमने 1/2 इंच प्लस करके लिया है। ये निशान लगा लेने के बाद अगर आपने पेपर वाली आस्तीन कटिंग की हुई है तो आस्तीन को आपने इस तरह से ऊपर रखना है। आर्म होल की फिटिंग वाले निशान से पेपर की आस्तीन पे जो आपने फिटिंग का कट लगाया था इस निशान को मिला लेना है और ऊपर की जानिब से पेपर वाली आस्तीन को कपड़े के बिल्कुल मिलाकर रख लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से फिटिंग वाले साइड से करेंगे। जो फिटिंग का कटिंग वाला निशान है इस पर हमने अपने पेपर को रख लिया और इस तरह से 3.5 इंच वाले निशान के किनारे से हम मिला देंगे। यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप आ गया है। इस तरह से आपकी ये पेपर वाली आस्तीन एक शेप पट्टी का काम दे रही है। आपको कपड़े वाली आस्तीन पर ज्यादा निशान लगाने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह से आसानी से आपकी गोलाई बन जाएगी, आसानी से आपकी फिटिंग की गोलाई बन जाएगी। अब इन दोनों निशान को हम काट लेंगे। ये हमारी आस्तीन कट चुकी है। अब सेंटर में भी हम इसमें कट लगाएंगे और जो फिटिंग का निशान था आर्म होल का उसमें भी हम कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगा लेने के बाद अब हम आगे की गहराई काटेंगे। आगे की गहराई काटने के लिए हमें आस्तीन को इस तरह से खोल लेना है। आस्तीन को खोल लेने के बाद हमें सीधी वाली साइड पर सीधी वाली साइड ही रखनी है दोनों आस्तीन की। इस तरह से दोनों जानिब कपड़ा उल्टा आएगा। अब हम गहराई का निशान लगाएंगे। अगर आप पेपर से निशान लगा रहे हैं तो ये निशान भी आप पेपर से लगा लेंगे। इस तरह से इस आस्तीन को भी खोलना है और साइड वाले दोनों आस्तीन के कट हमें इस तरह से मिला लेने हैं। ऊपर से भी पेपर आस्तीन को कपड़े से मिला लेना है और जो ये गहराई का निशान आ रहा है इस पर निशान लगा लेना है। इस तरह से हमारा गहराई का निशान आ गया। अब इस गहराई के निशान को भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी आस्तीन मुकम्मल कट चुकी है। अगर आप अपनी आस्तीन पेपर आस्तीन की मदद से नहीं काटना चाहते या आपने पेपर वाली आस्तीन नहीं काटी हुई है तो जिस तरह से हमने पेपर पर मेजरमेंट करना सिखाया और निशानात लगाना सिखाए, कर्व वाले भी और बाकी दूसरे भी, उसी तरह से मेजरमेंट करके आप अपनी आस्तीन काट सकते हैं अपने साइज के मुताबिक। ये 2 इंच वाला निशान जो सेंटर से लगता है और ऊपर से जो 3.5 इंच का निशान लगता है वो आपका सेम रहेगा हर आस्तीन की कटिंग में। बाकी आर्म होल जितना आपका तैयार है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस कर लेना है आस्तीन में और जो आपकी फिटिंग है वो तमाम निशानात आपने मिलाकर इस तरह से आस्तीन का शेप बना लेना है और उन तमाम निशान को कटिंग करते हुए अपनी आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। अब इस दूसरी आस्तीन को हम स्ट्रेट फिटिंग वाली काट कर दिखा रहे हैं। ये हमने आस्तीन का लंबाई का पीस निकाल लिया है और नीचे वाली साइड से हमने अपनी आस्तीन का फिटिंग का निशान लगा लिया है। ऊपर साइड से हमें 3.5 इंच का निशान लगा लेना है और इन दोनों निशान को इस तरह से स्ट्रेट स्केल की मदद से मिला लेना है। दोनों निशान मिला लेने के बाद इसे कटिंग कर लेना है। ये हमारी आस्तीन स्ट्रेट कटिंग हो चुकी है। अब हम ऊपर से गोलाई काट लेंगे। ये हमने आस्तीन की ऊपर की गोलाई और गहराई भी काट ली है। हमारी आस्तीन की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है आपको दोनों आस्तीन का तरीकेकार समझ में आ गया होगा। आपको हमारी आस्तीन की कटिंग कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमीज की कटिंग की वीडियो और आर्म होल की मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे लाइक करके हमें सपोर्ट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।